गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ऑफिस में गुरुग्राम के कमिश्नर के राव गुरुग्राम के सभी अधिकारियों के साथ तैनात गनमैन को बुलाकर वर्कशॉप की शुरुआत की। इस वर्कशॉप के अंदर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव ने सभी गनमैन को संयम रखना और गंभीर से गंभीर स्थिति में अपने आप को सही निर्णय लेने के काबिल बनाने जैसी बातें समझाई। इस वर्कशॉप में अगले दो दिन साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर आएंगे जो इन सभी गनमैन को मानसिक संतुलन और अपने ऊपर बढ़ते स्ट्रेस के कारण गलत निर्णय लेने जैसी स्थिति को संभालने के लिए लेक्चर दिए जाएंगे। दरअसल 13 अक्टूबर को गुरुग्राम सेशन जज कृष्णकांत के गनमैन महिपाल ने जज की पत्नी और जज के बेटे को गोली मार दी थी, जिसके बाद जज की पत्नी की एक दिन बाद मौत हो गई और जज का बेटा आज तक ब्रेन डेड मेदांता हॉस्पिटल के अस्पताल में भर्ती है। हालांकि इस पूरे मामले में बहुत सी बातें सामने आई हैं कि गनमैन का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था या फिर गनमैन को जज और उसकी पत्नी और बेटे के व्यवहार से परेशान हो चुका था, जिस वजह से उसने अपना संयम खोते हुए इस पूरी घटना को अंजाम दिया। मगर गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने इन सभी बातों का जिक्र ना करते हुए सभी गनमैन को बुला के वर्कशॉप की शुरुआत की। एक्चुअली जो BSO है सिक्योरिटी ड्यूटीज पे है, क्योंकि हम ये दो दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी के लेक्चरर हैं मैडम शालिनी रोहतक से, और कुछ डॉक्टर्स भी आएंगे, कुछ मोटिवेशन के लिए भी आएंगे, और जो डिस्कशन इंटरेक्शन होगा इनके साथ एक वो भी हम एनालाइज करेंगे। हम लोग ये दो दिन की वर्कशॉप में इस तरह की हम इनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। BSO और इनके अलावा हमारे जो हैं वो ऑफिस में 50-50, 40-40 पुलिस कर्मचारियों के लगातार कोर्सेज चलते रहते हैं। इससे पहले इसमें जरूरी है, यानी कि कॉरपोरेट में भी चलता रहता है, आप लोगों का भी चलता रहता है, तो वो सबके लिए जरूरी है। जो रिफ्रेश कोर्सेज हमारे डिपार्टमेंट में चलते रहते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं कि जो चीज़ें नई आई हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं या जो आपके बिहेवियर के बारे में उनके बारे में पता लगे। देखिए गनमैन का सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको जो ड्यूटी दी गई है प्रोटेक्टिव, उसका ध्यान रखना, उसको किस तरह के खतरे हैं वो ध्यान रखना। एक सरप्राइज एलिमेंट मीन्स के आप किसी की सिक्योरिटी कर रहे हो, मेरे पास कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, तो ये पता करना कि अगर कुछ होगा तो वो कैसे होगा, इन चीज़ों पे ध्यान रख के उस चीज़ के बारे में भी बताया जाएगा इन लोगों को।